आज के दिन हमारे मुल्क अंग्रेजी हुक्मरानों के जुल्म से आजाद हुआ। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने इस 75वीं बरसी को आजादी का अमृत महोत्सव को जो हफ्तों का प्रोग्राम था पूरे जोश व जज्बे के साथ प्रोग्राम किए, जिसके तहत आजादी की लड़ाई के शहीदों का खराज तहसीन पेश किया गया। जिला बारामूला में भी आजादी के शहीदों को खराज तहसीन पेश किया गया। हिंदुस्तान अपनी इनफरादी तहजीब को भी एकजाती भाईचारे के लिए दुनिया भर में एक मुनकर मकाम रखता है और इसकी मिसाल जम्मू कश्मीर बखसूस जिला बारामूला में देखने को मिलती है। हमारे यहाँ मिली जुली तहजीब, रस्म व रवाज और आपसी भाईचारे की मिसाल सारी दुनिया में दी जाती है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान बड़ी तेजी से तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहा है। हम आए दुनिया की दूसरी सबसे तेज तरक्की वजीर महसियत है। इसकी वजह से यहाँ का मजबूत जमहूरी निज़ाम है। आज़ादी के बाद जीत मुल्क से मुल्क की खुशहाली की राह परवानों का धुआं है और गरीबत कम करने के लिए बहुत सारे मंसूबे और प्रोग्राम लागू किए गए, जिनमें आत्मनिर्भर भारत, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, आयुष्मान भारत, मनरेगा और स्वच्छ भारत जैसे प्रोग्राम हैं। इन सभी प्रोग्रामों के जरिए लोगों की जिंदगी का मयार काफी बड़ा और लोगों के और मुल्क के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई। हाल ही में शुरू की गई स्कीम जल जीवन मिशन, जिसके जरिए मुल्क भर के सभी ग्रामों को साल 2026 तक साफ पानी मुहैया किया जाएगा और जिला बारामूला में ये काम 2022 तक मुकम्मल होगा।